फाइन अगर ना पेमेंट करने पर इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। तो इसे डील करता है सेक्शन 64 आईपीसी का प्रोविज़न है और सेक्शन 30 सीआरपीसी का प्रोविज़न है। तो सेक्शन 64 कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, और सेक्शन 30 आईपीसी का कहता है, सेक्शन 30 सीआरपीसी का कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो इससे पहले हमें देखना, समझने से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरी के लिए कि ऑफेंस जो है वो तीन टाइप का बनेगा। या तो एक ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, या सिर्फ फाइन है। मतलब पनिशमेंट में सिर्फ फाइन ही दिया गया है, या फिर पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया गया है, या फिर ऑफेंस में ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो सेक्शन 118 आईपीसी का है लेते हैं, और सेक्शन 117 आईपीसी का लेते हैं, और सिर्फ फाइन के लिए सेक्शन 290 आईपीसी का लेते हैं, ठीक है। ये देख, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल, सीआरपीसी के बेयर एक्ट के पीछे शेड्यूल्स गिवन है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। डन। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद ये तीन चीज़ें हैं। अब इस वाले कैटेगरी में, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन के कैटेगरी में, जज साहब की मर्ज़ी कि वो इम्प्रिजनमेंट भी दे और फाइन भी दें, ठीक है, या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे या सिर्फ फाइन दे, ठीक है। अभी इस वाले जगह पे क्या होगा ना कि ये जो पार्ट है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट वाला, वो तो रेस से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि हम डील कर रहे हैं इस जगह पर फाइन ना देने पर इम्प्रिजनमेंट आपको लगेगा, ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये तो यहाँ पे तो इम्प्रिजनमेंट सिर्फ दे दिया गया, इसीलिए ये रेस से बाहर हो गया। अब ये सिर्फ फ़ाइन दिया गया है, जज साहब के पास मर्जी थी कि इम्प्रिजनमेंट भी था, उस पनिशमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट भी था और फ़ाइन भी था, बट उन्होंने सिर्फ फ़ाइन दिया, ठीक है। अब सेक्शन 66 आईपीसी का कहाँ कहाँ पर लगेगा? सेक्शन 66 आईपीसी का इस जगह पर लगेगा जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है और फ़ाइन भी है। इस जगह पर भी इम्प्रिजनमेंट, यहाँ इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन भी है, यहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन भी है, तो सेक्शन 66 लग जाएगा। एंड इस जगह पर लगेगा, ये कौन सा है? ये कैटेगरी वो वाला है जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी था और फ़ाइन भी था, मगर जज साहब ने क्या दिया? सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ फ़ाइन दिया, ठीक है। तो इस जगह पर क्या लगेगा? सेक्शन 66 लगेगा, ये ध्यान रखना है हमें। एंड सेक्शन 67 कौन से वाले जगह पर लगेगा? सेक्शन 67 सिर्फ फ़ाइन वाले जगह पर लगेगा जहाँ पे पनिशमेंट में ही ऑफेंस पनिशेबल है फ़ाइन के द्वारा ही, वहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 290 आईपीसी का, वहाँ पे वो जो पनिशमेंट है सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन के द्वारा पनिशेबल है, ठीक है, ओके, डन। अभी आता है, अच्छा उसके बाद आता है कि ये आईपीसी गया, अब सीआरपीसी का सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए और बी किधर किधर लगेगा? तो सेक्शन 30 का प्रोवाइजो, सीआरपीसी का सेक्शन 30 प्रोवाइजो सिर्फ उस जगह पर लगेगा जो जज साहब की मर्ज़ी थी कि वो फ़ाइन दें या फिर इम्प्रिजनमेंट दें, और उन्होंने मगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दिया। लुक दिस वन, उन्होंने सिर्फ फ़ाइन दिया, तो ये लगेगा सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए लगेगा इस जगह पर जहाँ पे मर्जी थी बट उन्होंने फ़ाइन दिया, डन। और फिर सेक्शन 30 प्रोवाइजो बी किधर लगेगा? जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फ़ाइन भी दिया गया है, और इस जगह पर जो ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन, एंड जज साहब ने इम्प्रिजनमेंट भी दिया और फ़ाइन दिया, इस दो कैटेगरी में क्या लगेगा? सेक्शन 30 सीआरपीसी का सेक्शन 30 प्रोवाइजो बी। अब हम देखेंगे, इतना देख लिए सेक्शन 67 क्या होता है, कहाँ लगेगा, या सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए बी क्या कहाँ लगेगा, वो हमने देख लिया। अब ये क्या कहता है ये प्रोविजंस, तो हम देखेंगे सेक्शन 67 जो है आईपीसी का, ये बताता है कि अगर आपका अमाउंट है अप टू रुपीज़ 50, तो 2 मंथ्स का जेल है, डन।
फिर बताता है कि अगर अप टू ₹100 है आपका फ़ाइन, तो 4 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, अप टू मतलब इक्वल टू 4 मंथ्स, ठीक है। अगर आपका ₹100 से ज़्यादा है फ़ाइन, तब क्या लगेगा, तब 6 मंथ, अप टू 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कौन सी वाली केसेस है, ये वो वाली केसेस है जो पनिशेबल है विथ फाइन ओनली, जो ऑफेंस पनिशेबल है विथ फाइन ओनली, ठीक है। तो उस जगह पर क्या लग रहा है, उस जगह पर सेक्शन 67 लग रहा है। अब हमें देखना है कि सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए, सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए जो है वो किधर लग रहा है, वो लग रहा है जज साहब की मर्जी थी, वो दोनों देना चाहते दे सकते थे, बट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया हमें फाइन। तो इस जगह पर क्या होगा, सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए लगेगा। अच्छा, सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए ना तो सेक्शन 67 पर लगेगा, ना 67 सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए पर लगेगा। मतलब कि जहाँ पर फाइन है तो सिर्फ फाइन डील होगा सेक्शन 67 आईपीसी के साथ, और जहाँ पे मर्जी थी वहाँ पे उन्होंने सेक्शन 30 प्रोवाइजो, जैसे आपकी मर्जी थी कि वो फाइन दे या इम्प्रिजनमेंट दे, मगर उन्होंने चूज़ किया कि फाइन देना है, उस जगह पर सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए ही लगेगा, सेक्शन 67 नहीं लगेगा आईपीसी का, डन। अच्छा, अब देखना है कि सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए कहता क्या है। सेक्शन 30 प्रोवाइजो ए कहता है मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी मैजिस्ट्रेट की जितनी है वो उतने दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी कितनी आती है, 3 ईयर्स की। अच्छा, कॉम्पिटेंसी की बात सेक्शन 29 सीआरपीसी में डिस्कस है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जज साहब ने अवार्ड किया 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो उन्होंने 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया और कुछ फ़ाइन लगाया, ठीक है, कुछ अमाउंट उन्होंने फ़ाइन लगा दिया। अब फ़ाइन के बदले, अच्छा, और फॉर एग्जांपल हम मिस्टर ए पकड़ लेते हैं, तो जज साहब ने मिस्टर ए को 3 साल का फ़ाइन लगाया, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया और कुछ रुपीज़ फ़ाइन लगाया, ठीक है। मगर वो बंदा फ़ाइन दे नहीं सका, तो फ़ाइन ना देने के बदले उसको इम्प्रिजनमेंट मिलता है 9 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया, 3 साल और 9 महीने, मगर जज साहब की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कॉम्पिटेंसी कितनी है, 3 ईयर्स की है, ठीक है। ये जो 9 साल एक्स्ट्रा लगा, ये जो 9 साल है, ये तो उनके बियॉन्ड कॉम्पिटेंसी हो गई ना, तो क्या ये दे सकते हैं उससे ज़्यादा, अपनी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा, तो यस दे सकते हैं। इसका प्रोविज़न है सेक्शन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में, कि अपने बियॉन्ड जा सकते हैं अगर वो चीज़, अगर ये 9 मंथ है, ये किसके बदले दिया गया, ये बदले दिया गया है फ़ाइन के ना देने पर, डन, ओके। अब दूसरा चीज़ आता है कि ये हमने 30 प्रोवाइजो ए देखा, अब सेक्शन 30 प्रोवाइजो बी देखना है। तो सेक्शन 30 प्रोवाइजो बी किस किस जगह पर लगेगा, फ़ाइन भी दिया गया, इम्प्रिजनमेंट भी है और फ़ाइन भी दिया, और फ़ाइन के बदले, फ़ाइन ना देने के बदले इम्प्रिजनमेंट होगा। कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, दैट इम्प्रिजनमेंट विल बी 1/4 ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी, जो कॉम्पिटेंसी है, मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ओके। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विथ फ़ाइन ओनली 2 ईयर्स है, ठीक है, वो एक ऑफेंस है, वो सिर्फ 2 साल के लिए पनिशेबल है, ओके। तो अगर वो पनिशमेंट, फॉर एग्जांपल ये 304 ए आईपीसी का ये सिर्फ पनिशेबल है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है, एंड फाइन, और ये दिस इज कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। तो अगर ये 2 साल के लिए, इसका ऑफेंस जो है वो 2 साल के लिए पनिशेबल, मतलब इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स का है, तो 1/4 ऑफ द 2 ईयर्स, मतलब 6 मंथ, ठीक है, तो इसका कितना आएगा, जेल में रहना 2 ईयर प्लस 6 मंथ, ठीक है, ओके। अब आता है हमारा कि दूसरा एग्जांपल है कि जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस है जो कि 7 साल के लिए पनिशेबल है, आप एग्जांपल ले सकते हैं 369 आईपीसी, ठीक है, 369 आईपीसी कहता है
किडनैपिंग और एबडक्टिंग अ चाइल्ड विथ इंटेंट टू टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है 7 साल तक के लिए। तो जज साहब अब यहाँ पे देखिए कि ऑफेंस जो है वो 7 साल तक के लिए है, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 ईयर्स, बट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कंपिटेंसी कितनी है, 3 ईयर्स है, मतलब वो 3 ईयर्स ही दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे CRPC का सेक्शन 30 है और IPC का सेक्शन 65 है, ठीक है, ये दो प्रोविजंस है। अच्छा, सेक्शन 30 जो है IPC का, सेक्शन 30 CRPC का, वो बताता है कि 1/4 ऑफ मैक्सिमम कंपिटेंसी ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डन। तो मैक्सिमम कंपिटेंसी कितना है, 3 ईयर्स है, दैट विल बी 9 मंथ, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि IPC का सेक्शन 65 कहता है कि आप कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, फाइन ना देने पर दैट विल बी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, 7 ईयर्स है। तो इसे कैलकुलेट करने से हमारे पास कितना आएगा, 1 ईयर 9 मंथ। अब दोनों में से, अच्छा अब देखिए कि ये दोनों है जो है, सेक्शन 30 CRPC एंड सेक्शन 65 IPC, बोथ आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, डन। तो अब ये कौन सा प्रिवेल करेगा, दिस विल प्रिवेल, CRPC विल प्रिवेल, सेक्शन 30, ओके, दिस विल प्रिवेल, ओके। अब देखते हैं, अच्छा अब सेक्शन 68 क्या कहता है, सेक्शन 68 कहता है कि अगर किसी ने पैसा दे दिया है, मतलब फाइन दे दिया है, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 69 कहता है कि अगर आपने पार्शियल पेमेंट किया है, तो आपने जितना पेमेंट कर दिया है उसके उतने के बदले आपको छोड़ दिया जाएगा, पार्शियल पेमेंट है तो आपने जितना पेमेंट किया उसके लिए आप बरी हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि अगर ए है, मिस्टर ए है, उनको पनिशमेंट मिला है, उनको कुछ भी पनिशमेंट मिला है, एंड उनको 100 रुपये का, मतलब 100 रुपीज़ देना है, ठीक है, 100 रुपीज़ देना है, 100 रुपीज़ का, ओके, 100 रुपीज़ हमने सेक्शन 67 में देखा था, अगर आप 100 रुपीज़ के लिए, अप टू 100 रुपीज़ के लिए कितना है, 4 मंथ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा आपको, 4 मंथ का, ठीक है। तो अगर 4 मंथ है तो ये 100 रुपीज़ के लिए 4 मंथ, ठीक है, यहाँ तक आता है। अगर उस बंदे के पास 75 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो कितना, अच्छा अब उसके पास 75 रुपीज़ है, ठीक है, उसने 75 रुपीज़ दे दिया, बाकी बचता है और, तो उसके लिए उतने अमाउंट के लिए, ठीक है, उतने अमाउंट के लिए वो कितना दिन रहेगा, वो यहाँ पे देखिए 75 हो गया 3 महीने के लिए, 100 रुपीज़ हो गया 4 मंथ के लिए, मतलब 1 महीना बच रहा है, तो वो 1 महीना रहेगा, जेल काटेगा, और 1 महीना जेल काटने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ कितना होगा, 50 रुपीज़ 2 मंथ के लिए, मतलब दो 20, उसने 50 रुपया दे दिया और 2 महीना और काटेगा वो, और फिर उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि आपने कितना पेमेंट किया है और आपको कब छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कैसे छोड़ा जाएगा, इसी रेशियो में छोड़ा जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा सेक्शन 70 IPC। सेक्शन 70 IPC बताता है कि अगर आपका अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है, मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने पेमेंट, यहाँ पे देखिए इसने 50 रुपीज़ दिया और 50 रुपीज़ बाकी का नहीं दिया, ठीक है, मगर इसने 2 महीने का जेल काटा है मिस्टर ए ने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलीज़ हो गया तो वो बरी हो गया, उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, नहीं, ख़त्म नहीं होती है लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी चलती रहेगी, कितने सालों तक चलेगी, अप टू 6 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ये कहाँ से रिकवर होगी, ये उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर की जाएगी, ठीक है, इसका लिमिटेशन पीरियड 6 ईयर है। डन, अगर कोई सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 10 ईयर्स तक का, मतलब मिस्टर ए को 10 साल तक जेल में रहना है, तो भाई तुम 10 साल तक रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब किसी का सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का है, तो बच्चा यहाँ पे देखिए कि अगर किसी का 10 साल है तो आप 10 साल तक रिकवर कर सकते हो, अब किसी का इम्प्रिजनमेंट ही 3 साल तक का है, ठीक है, मगर हमारा लिमिटेशन पीरियड कितना है, 6 ईयर्स तक का है, आप कर सकते हो रिकवर, तो बाकी का ये वाला जो पार्ट है और बचा 3 साल, वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट मैंने छोड़ा था कि अगर देखो
इस केस में इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा? यहाँ पे तो हम बात कर लिए कि या जो रहेगा वो सिंपल में रहेगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट सिंपल दी जाएगी कि रिगरस होगी। तो इस जगह पर जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, इस जगह पर हमें देखना है कि उसका सब्सटैंटिव सेंटेंस उसको जो मिला है वो किस टाइप का है, मतलब रिगरस है कि सिंपल है। अब वो रिगरस था तो उसको फाइन के बदले में भी, फाइन ना देने के बदले जो उसको जेल मिला तो वो भी रिगरस होगा, अगर वो सिंपल था तो सिंपल होगा। इस केस में भी यही है और इस केस में भी यही है कि उसको उसका सब्सटैंटिव सेंटेंस को देखा जाएगा। ये तो रेस से बाहर है। और अगर इस जगह पर जहाँ पे जज साहब की मर्जी थी कि वो इम्प्रिजनमेंट करें कि फ़ाइन करें, अगर उन्होंने फ़ाइन किया तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको उनको रिगरस देंगे कि सिंपल देंगे, डन। और सिर्फ जो पनिशेबल और जो ऑफेंस पनिशेबल विद फ़ाइन ओनली था, वहाँ पर सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।